विषमता की जांच करने की कौन कौन सी विधियां हैं, हम किस कैसे जाने कि विषमता किसी भी श्रमंकमाला में विषमता है। तो आज हम विषमता जांचने की कुछ टेक्निक जो हैं उसको समझेंगे कि हम विषमता किस प्रकार से जांचें। तो विषमता की जांच की जो है टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस, पहली है यदि श्रेणी का समांतर मान, माध्यिका और बहुलक यदि एक समान है तो विषमता का अभाव है। यदि अंक कोई एक श्रेणी है, समंकमाला है, उसका समांतर मान ज्ञात कर लें, माध्यिका ज्ञात कर लें और बहुलक ज्ञात कर लें, यदि तीनों का मूल्य एक समान है तो विषमता का अभाव है। यदि तीनों के मूल्यों में एक समानता नहीं है, अर्थात कोई इस प्रकार से है कि जिसमें समांतर माध बड़ा है माध्यिका से और माध्यिका बड़ी है बहुलक से, तो इस प्रकार से जब इस प्रकार से वितरण होगा तो वो धनात्मक विषमता होगी, क्योंकि समांतर माध्य का मूल्य अधिक है। और जब इस प्रकार का वितरण हो कि जिसमें जो बहुलक है वो बड़ा है माध्यिका से और माध्यिका बड़ी है समांतर माध्य से, तो इस प्रकार की स्थिति में ये ऋणात्मक विषमता होगी। इस प्रकार का जो वितरण होगा वो ऋणात्मक विषमता वाला वितरण होगा। तो पहली जो जांच की विधि वो है कि हम किसी भी समंकमाला में उसका माध्यिका ज्ञात कर लें, बहुलक ज्ञात कर लें और समांतर माध्य ज्ञात कर लें, तीनों के मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन कर लें, यदि तीनों के मूल्य समान है तो श्रेणी में विषमता का अभाव है। दूसरी विधि क्या है कि यदि दोनों के चतुर्थक माध्यिका से अंतर समान दूरी पर नहीं है तो भी क्या है कि विषमता पाई जाती है। यदि समान जो माध्यिका से जो चतुर्थक हैं इनका यदि हम मूल्य निकालें और ये समान मूल्य समान दूरी पर है, इनके मूल्य समान हो, इसका और इन दोनों का यदि समान मूल्य है तो फिर विषमता का अभाव है। यदि ये समान नहीं है तो इसमें विषमता है। अगला है कि यदि समांतर माध्य माध्यिका बहुलक से विचलन लिए गए हो और इनका योग शून्य है तो विषमता नहीं है, तो इसमें विषमता का अभाव है। कब है विषमता का अभाव? जब हम माध्य माध्यिका और बहुलक समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक से विचलन निकालें और विचलन का योग कर लें, यदि वो योग शून्य है तो विषमता का अभाव है। चाहे वो समांतर माध्य से विचलन हो या माध्यिका से विचलन हो या मोड से विचलन हो बहुलक से विचलन हो, यदि उनका योग शून्य आ जाता है इसका सम कर ले, यदि सम डीएक जो है सम डीएम या सम डीजेड अगर जीरो आ रहा है तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी समंकमाला है माध्यिका जो श्रेणी है उसमें विषमता का अभाव है। एक और विधि है, यदि बहुलक के दोनों ओर की आवृत्तियों का योग समान है, कब है हम बहुलक ज्ञात कर लें और बहुलक के ऊपर की जो आवृत्तियां हैं उसका सम कर लें और बहुलक के बाद की जो आवृत्तियां हैं उसका सम कर लें, यदि यह स्थिति आती है, यदि दोनों बराबर हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारी समंकमाला में श्रेणी में विषमता का अभाव है। कब कह सकते हैं? जब हम बहुलक ज्ञात कर लें, मोड ज्ञात कर लें और उसके ऊपर की आवृत्तियां और नीचे की आवृत्तियां यदि बराबर हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे समंकमाला में श्रेणी में विषमता का अभाव है। एक और है कि जब आवृत्तियों का वितरण का जब हम वक्र बना लें और यदि वो वेल शेप्ड आ रहा है, घंटे के आकार का आ रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि हमारी श्रेणी में विषमता का अभाव है। यदि आवृत्ति वितरण दिया गया हो और उन आवृत्ति वितरण का
यदि हम वक्र बना लें, एक कर्व बना लें, और वो कर्व जब हमारा घंटे के आकार का हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारी शमंकमाला में विषमता का अभाव है। और यदि वो घंटे का आकार नहीं है, तो फिर या तो उसमें धनात्मक विषमता होगी या फिर उसमें ऋणात्मक विषमता होगी, मगर वो सिमेट्रिक नहीं होगा, असिमेट्रिक होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये पांच जो टेस्टिंग की मेथड है, स्क्यूनिस जांचने की, ये पांच टेक्निक है। कोई एक टेक्निक हम अपना लें, चाहे समांतर मात्र माध्यकार बहुलक के मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन कर लें, या फिर हम विचलन निकालें किसी एक से और वो विचलन का योग शून्य आ जाए, या चतुर्थक विचलन जब हमारे समान दूरी पर हो माध्यिका से तब, या फिर बहुलक निकालें और उसके ऊपर की और नीचे की आवृत्तियों का योग कर लें तो समानता आ जाए, तब विषमता का अभाव है। और यदि हम जो आवृत्ति है उसका कर्व बना लें, यदि वो बेल शेप आता है तब आवृत्ति में विषमता का अभाव है। तो इस प्रकार से हम किसी भी श्रेणी में विषमता की जांच कर सकते हैं। धन्यवाद।